फिर उड़पक्का में तजावजात की भरमार, मेन बाजार और हस्पताल पर रेडी बानों का कब्जा। तफसीलात से आगाह करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी, बताइएगा आशिक। बिल्कुल, शहर में तजावजात की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जब भी शहरी खरीद व फरोख्त के लिए बाजार आते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से रेहड़ियाँ जो है उनकी वजह से जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर अवकात ये भी देखा गया है कि जब भी यहाँ पर एमरजेंसी में एम्बुलेंस गुजरती है तो जहाँ ट्रैफिक जाम होती है, जिसकी वजह से मरीज़ अक्सर जो है वो रास्ते में दम तोड़ जाती है। इस वक्त मैं बाज़ार में मौजूद हूँ, मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे, बाज़ार में तजावजात कम है, क्या कहना चाहेंगे? भाई, ऐसा बहुत परेशान है और देहाती जो आने शहर की तरफ कोई समान समान गिनने वास्ते, अगले जरा हालात देते हैं, बहुत रश होता है, ऑलरेडी बांध जरे खड़े होता है और जो अल्फाज गलत इस्तेमाल करें और उस तो बाद उतना एम्बुलेंस वगैरह आनी है तो कोई रास्ता नहीं देंगे, अपनी मन मानी की दिखड़े और जेड़े अपने इतों के इंतजामिया हैं वो कोई भी जुदा एक्शन नहीं गिनते पाए। जी, मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उससे बात करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे, आपकी दुकानदारी कितनी मुतासर होती है जब तजावजात आगे रेहड़ियाँ खड़ी हो जाती है? ये ना रेहड़ियों वाले इतने परेशान करते हैं, ये 3-4 दिन पहले की बात है। मेरे साथ प्लम्बर की दुकान है, उसका कस्टमर आया है और रेहड़ी वाले ने उससे बदतमीजी की। उसने कहा भाई जान ये हटा लो रेहड़ी, हमारे कस्टमर तंग होते हैं। उसने छुरी निकाली और अपना बाजू को डक लगा दिया, जी मैं जा रहा हूँ FIR कराने। इतनी बदतमीजी करते हैं, गाहकों को गालियाँ देते हैं, हर आदमी परेशान है रेहड़ी वालों को। एम्बुलेंस आती है तो रास्ता नहीं देते, कहते हैं आप अपने आप निकल जाएगी। इधर से रश्के वाले, इधर रेहड़ी वाले बड़े परेशान हैं। जी, जैसा कि शहरियों का कहना है कि यहाँ पर रेहड़ियों की वजह से बाजार जो है वो बंद हो गया है, आने जाने वाले जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया इस हवाले से कोई नोटिस नहीं ले रही। उनका ये कहना है कि जब भी यहाँ पर एमरजेंसी में एम्बुलेंस गुजरती है, मरीज़ एम्बुलेंस में होते हैं तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर औकात मरीज़ जो है इसी रश में फंस जाते हैं और जो है वो ज़िंदगी की बाजी आ जाते हैं। तो शहरियों का एहतजाज करते हुए यही कहना है कि इंतजामिया को फौरी नोटिस लेना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुर्रऊफ मेयर जो है वो भी बाज़ारों में निकले तजावजात के खात्मे के लिए, फौरी एक्शन लें ताकि शहरियों को बाज़ार में आने जाने में, खरीद फरोख्त में जो है मुश्किलात जो है वो दरपेश ना आए, वो आसानी से बाज़ार से जो है अपनी जो खरीद फरोख्त के लिए आते हैं वो अपनी अशिया जो है वो खरीद सकें। जी, आशिक हुसैन, आगाह करने के लिए शुक्रिया।